दो क्वेश्चंस हैं, दोनों को एक साथ कंपेयर करूंगा, तो इसलिए अपनी नोटबुक बंद रखना, सिर्फ दिमाग को खुला रखना और समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट एक्सरसाइज का देख रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल अलग 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 बात हो रही है, लेकिन जब एरिया निकालेंगे तो देखेंगे कि वो सेम आ रहा है। कैसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये आपके पास कोई क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, सिर्फ समझते आना भी बोर्ड। आपने इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर को प्लेस किया गया है, हेमिस्फेयर को प्लेस किया है। What is the greatest diameter that the hemisphere can have? तो जो आपने क्यूबिकल ब्लॉक लिया है, पहली बात तो ये कि उसकी जो लेंथ है, मतलब जो उसकी साइड है, वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है मीटर है, तो ये भी 7, ये भी 7। क्यूब की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, तो ये भी 7 ही होगी। अब आपने इसके ऊपर हेमिस्फेयर रखना है, और हेमिस्फेयर को इस तरह से रखना है, ग्रेटेस्ट डायमीटर चाहिए उसकी, मतलब सबसे बड़ी डायमीटर क्या हो सकती है, तो सबसे बड़ी डायमीटर उसकी उतनी हो सकती है जितनी क्यूब की साइड हो। क्यूब की साइड कितनी है, तो इतना बड़ा हेमिस्फेयर रख दो जो पूरे क्यूब को क्या कर ले, कवर कर। तो इतना बड़ा हेमिस्फेयर आपने इसके ऊपर प्लेस किया, ठीक है। अब हेमिस्फेयर जो आपने प्लेस किया है, इसकी जो डायमीटर है, मैक्सिमम डायमीटर कितनी हो सकती है, जितनी क्यूब की क्या है, साइड, क्यूब की साइड कितनी है, 7, तो हेमिस्फेयर की डायमीटर भी कितनी होगी, 7। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितनी है, 7, तो उसकी रेडियस 7/2 डेट इज 3.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इसकी रेडियस आ चुकी है हेमिस्फेयर की, डेट इज 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर हो रही है फिगर। जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा गया है कि आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, और इस क्यूबिकल ब्लॉक में से आपने मैक्सिमम डायमीटर के हेमिस्फेयर को बाहर निकाल लिया, कट कर लिया, ठीक है, होलो आउट कर लिया है। जैसे स्कूप निकालते हैं ना, ब्रिक में से आइसक्रीम निकालते हैं थोड़ी सी, तो वहाँ एक गड्ढा बन जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल गड्ढा बनने वाला है, हेमिस्फेरिकल होलो पार्ट बनने वाला है। अब दोनों अलग अलग फिगर्स हैं, इसमें हेमिस्फेयर ऊपर रखा गया है और इसमें से हेमिस्फेयर को कट किया गया है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यही लिखा है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, डिप्रेशन मतलब उसका कुछ पार्ट आपने बाहर निकाल लिया है, इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच डेट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। एज मतलब साइड, एज को अंडरलाइन कर लेना, बुक में साइड होता है एज का मतलब। जो इसकी डायमीटर है वो किसके इक्वल है, साइड ऑफ क्यूब के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, और उसको ये शो कर रहे हैं एल से। यानी कि इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई वैल्यू नहीं दी गई है, आपको वेरिएबल की टर्म में आंसर निकालना है, एल से शो करना है। तो अगर ये पूरी साइड एल है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, एल बाय टू, रेडियस कितनी हो जाएगी, एल बाय टू। ये एल कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में गिवन है कि डायमीटर को एल मान रखना, ठीक है, डायमीटर एल है तो रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाती है, दैट इज एल बाय टू। यहाँ तक समझ आ रहा है, दोनों बिल्कुल अलग अलग फिगर्स हैं, एक में क्यूब के ऊपर रखा गया है हेमिस्फेयर को, दूसरी फिगर में इसके अंदर से हेमिस्फेयर को कट आउट कर लिया है ना, समझ गए। जैसे आइसक्रीम की ब्रिक होती है, उसमें से ऐसे चम्मच भर के निकाल लेते हैं तो अंदर गड्ढा बन जाता है ना, ऐसा ही कुछ यहाँ किया, क्लियर है। अब देखो, अब आपको क्या निकालना है दोनों फिगर्स में, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए यू हैव टू थिंक लाइक अ पेंटर की तरह सोच, ठीक है। अब अगर आप पेंटर की तरह सोच रहे हो और आपके हाथ में ये फिगर है, तो आप कहोगे देखो सर, देखो बाबूजी, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये क्यूब है, तो इसे तो मैं पूरे को पेंट करूँगा ही करूँगा, ठीक है, तो मैं इसका क्या लूँगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, और मुझे ये हेमिस्फेयर भी दिख रहा है, तो मैं फटाफट से इसको भी क्या कर दूंगा, पेंट कर दूंगा। तो इसका कौन सा पार्ट पेंट कर रहा हूँ,
कर्व्ड वाला पार्ट पेंट कर रहा हूँ, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एन स्फीयर, तो इसके पैसे जोड़ूं या माइनस करूं? तो प्लस कर दिया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि बाबूजी देख लो, मेरे पास ये जो फिगर है इसमें मेरे पास एक क्यूब है, मैं फटाफट इसे पेंट कर रहा हूँ, और ये जो ऊपर एक बाहर से कुछ निकला हुआ है हेमिस्फीयर की शेप में, इसे भी मैं क्या कर दूंगा, पेंट कर दूंगा फटाफट। तो एक तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया, और क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कार्तिक और अर्णव शर्मा इधर ध्यान दो, नोटबुक बंद कर दो, इधर ध्यान दो, सिर्फ फोकस करो समझने पर, ठीक है। अब जिस बाबूजी से मैं बात कर रहा हूँ, उन बाबूजी ने मैथ्स पढ़ रखी है, ये चैप्टर पढ़ रखा है, तो वो कहेंगे देख भाई तू मेरा पागल तो बना हुआ, ये तूने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब है तूने छह साइड का एरिया ले लिया इसके, क्यूब के पास छह साइड थी, छह की छह साइड का तूने एरिया ले लिया, लेकिन ये वाला एरिया तो छुप गया है, इसे थोड़ी ना पेंट कर देगा तू, इसके पैसे क्यों जोड़ रहा है, समझ रहे हो? मैंने उनसे क्या कहा था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले रहा हूँ मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब चारों साइड का, नीचे का और ऊपर का सब कुछ ले लिया मैंने, ठीक है। और ये जो हेमिस्फीयर का कर्व्ड वाला दिख रहा है, इसे भी पेंट कर दूंगा, इसके भी पैसे जोड़ देना। लेकिन बाबूजी पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा भाई ये जो पार्ट है हेमिस्फीयर की वजह से छुप गया, ये तो सर्कल वाला पार्ट क्या हो गया, ये छुप गया, तो ये वाला जो पार्ट है क्यूब का, इसे पूरे को थोड़ी ना पेंट कर रहा है तू, जो इसके पूरे पैसे जोड़ रहा, तो इसके पैसे क्या करो, क्योंकि आप जो पेंट कर रहे हो वो सिर्फ इतना सा पार्ट पेंट कर रहे हो, ऊपर वाले पार्ट, ध्यान से समझना इस चीज को, जो क्यूब का ऊपर वाला हिस्सा है, टॉप वाला पार्ट है, वो पूरा पेंट नहीं हो रहा, क्योंकि उसका मैक्सिमम पार्ट क्या हो गया, छुप गया है, क्योंकि आपने उसके ऊपर क्या रख दिया, हेमिस्फीयर। तो आपको इस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस। आपने जैसे ही बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोलते साथ आपने इसकी चारों साइड ले ली, इसका बेस भी ले लिया और इसका ऊपर वाला पार्ट भी ले लिया, तो ऊपर वाला पार्ट आधा लिया या पूरा लिया है, पूरा लिया है फिलहाल, है ना। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो आपने ठीक ले लिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे तो आप पेंट करोगे ही करोगे। लेकिन बाबूजी ने वहां पर पकड़ लिया, कहां पर, कि भाई ये जो पार्ट छुप गया है इसे क्या करो, माइनस कराएंगे या प्लस, कौन कौन कह रहा माइनस, सब पढ़े लिखे हो गए, माइनस एरिया ऑफ, ये किस शेप में, बेस किस शेप में बच्चों, तो माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि सर्कल, अभी बात नहीं करनी, सिर्फ समझने पर फोकस करो, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज सर्कल, सर्कल का एरिया आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तब जाकर आपके पैसे का हिसाब ठीक बैठेगा, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपने जोड़ दिया, कोई बात नहीं, इसमें चारों साइड आ गई, नीचे वाला पार्ट भी आ गया, ऊपर वाला पार्ट भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आपने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो भी आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो हेमिस्फीयर की वजह से इतना सारा पार्ट छुप गया है, इस पार्ट को आप क्या करोगे, माइनस। तो आपने इस बेस को जो कि किस शेप में था, सर्कल की शेप में था, उसको क्या कर दिया, माइनस। तो यहाँ पर अब आपके पास जो ये रिमेनिंग फिगर है, इसका जो सरफेस एरिया आ रहा है, तो कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जिसमें सारी साइड्स आ गई, ऊपर और नीचे दोनों पार्ट आ गए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, सिर्फ जो उसका बेस था उसको हमने क्या कर दिया, माइनस। ये किस किस को समझ आ रहा है, डाइजेस्ट हो रही है इतनी बार। अब दोबारा देखना इस वाले केस के लिए, ठीक है। यहाँ तो मैं उनका नहीं चला पाया, यहाँ चलाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर फिर से वो मुझे दिखा रहे हैं कि देख भाई ये आर्टिकल है, इसको तेरे को क्या करना है, पेंट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, बाउटी मैं क्या करूँगा, इसका टोटल सरफेस एरिया पेंट कर दूंगा। देखो ये क्यूब है ना क्यूब, तो इसका मैं क्या कर दूंगा, टोटल सरफेस एरिया पेंट कर दूंगा। अब टोटल सरफेस एरिया बोलते साथ चारों साइड्स आ गई, बेस भी आ गया और इसका ऊपर वाला पार्ट भी आ गया। फिर मैं कब दिखाऊंगा, देखो ये ना अंदर से हेमिस्फीयर जैसा कुछ दिख रहा है, इसे भी मैं क्या कर दूंगा, तो इसके भी पैसे जोड़ दूंगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, तो बस मैंने को एक क्यूब दिख रहा है और एक हेमिस्फीयर दिख रहा है, इनके पैसे जोड़ दो मेरे को, कौन नहीं है, सॉरी क्या है, कौन में ज्यादा पैसे मिलते हैं ना, पैसों में चलता दिमाग। तो मैं फटाफट से दिखाऊंगा, देखो बाबूजी एक तो ये क्यूब है, क्यूब का एरिया हो गया टोटल सरफेस एरिया, और एक हेमिस्फीयर दिख रहा है अंदर से, इसे भी पेंट कर देंगे, तो इसका भी हमारा जोड़ के बिल बना दो। अब बाबूजी कहेंगे मैं पागल दिख रहा हूँ तेरे को, ये जो सर्कल कट हुआ है इसे पेंट कर रहा है तू कहीं से, ये तो खाली हो गया,
सिर्फ कितना पार्ट पेंट हो रहा है, जो ये कोनों कोनों पे से दिख रहा है, सिर्फ ये पार्ट तो पेंट हो रहा है, बाकी पार्ट तो क्या हो चुका है, कट हो चुका है। तो ये जो खाली जगह है यहाँ हवा में पेंट करके भी तो मैं इसे पैसे ले लूंगा, ऐसे तो नहीं ले लूंगा। तो ये जो हेमिस्फीयर का सर्कल है इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखो जब मैंने क्यूब का टोटल सर्फेस एरिया लिया था तो टोटल सर्फेस एरिया लेने की वजह से मेरे पास चारों साइड इसकी आ गई थी, नीचे भी आ गया था और ऊपर वाला भी पूरा आ गया था, लेकिन ऊपर वाले में से हेमिस्फीयर का बेस क्या हो चुका है, कट हो चुका है। तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि मैं इसमें हवा में पेंट नहीं कर सकता। तो जो हेमिस्फीयर का बेस है जो कि सर्कल की शेप में है, मुझे उसका एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर जो कि किस शेप में है, जो कि किस शेप में था, सर्कल की शेप में था। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि चाहे आपने टॉप, बात मत करो से सुनो, चाहे आपने टॉप पर हेमिस्फीयर को रखा है, चाहे आपने हेमिस्फीयर को कट किया है, दोनों ही केस में हेमिस्फीयर की शेप आपके सामने बन रही है, जिसकी वजह से हेमिस्फीयर की शेप को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जब आपने टॉप पर रखा था तब भी आप उसे पेंट कर रहे हो क्योंकि वो बाहर निकला हुआ पार्ट है, आप उसको पोंछ कर आप उसको क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। जब आपने उसको कट किया था तब भी आपका हाथ उसके अंदर जा रहा है, आप उसको तब भी क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। तो अगर आप एज अ पेंटर सोच रहे हो तो ये जो सरफेस एरिया वाले क्वेश्चंस हैं ये आपसे बहुत आराम से हो जाएंगे, पूरी एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन है, एक में ऊपर रखा हुआ है और एक में कटआउट किया गया है, है ना, एक में ऊपर रखा है और एक में कटआउट किया है, यानी कि एक में बढ़ाया और एक में कट किया। अब जिस बच्चे को नॉलेज नहीं है, जिस बच्चे ने चैप्टर नहीं प्रैक्टिस कर रखा है, वो क्या करेगा, सिंपल सा, जिसमें बढ़ाया उसमें प्लस कर देगा और जिसमें कट किया उसमें क्या कर देगा, माइनस। तो वहाँ गलत हो जाएगा उसका क्वेश्चन। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि चाहे ऊपर रखा जा रहा हो चाहे नीचे रखा जा रहा हो, इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, आपके पास हेमिस्फीयर का एरिया शो हो रहा है ऊपर से भी नीचे से भी, जिसको आपको पेंट करना पड़ेगा और पेंट करने की वजह से आपको उसका एरिया प्लस करना पड़ेगा। जो उसका सर्कल वाला पार्ट है वो फर्स्ट केस में छुप गया था और सेकेंड केस में कट गया है, इस वजह से इसलिए उसको क्या कर रहे हैं, माइनस। अब बताओ किस किस को समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये थे दोनों क्वेश्चन, इसकी फिगर बना लो, मैं बस एक पेज छोड़कर ताकि आ जाए।